दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है YouTube के नंबर वन चैनल मोबाइल पे स्कूल। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और यहाँ पे तीनों लेके आया उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, पेपर में दो क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे आपको एक लिखना है, एक उदाहरण आपको लिखना है, एक परिभाषा लिखना है। अगर यहाँ पे आप अगर उदाहरण लिख देते हैं तो भी आपको वहाँ से एक नंबर मिल जाएगा, अगर आप परिभाषा लिखते हैं ठीक है। मैं जो आपको तरीका बताऊँगा यहाँ पे तीनों एक ही बार में अगर पढ़ लेते हैं तो अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आपको यहाँ से एक दो नंबर क्लियर हो जाएगा ठीक है। आपको किस तरीके से आपको याद करना है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे तीनों याद हो जाएगा। चलिए मैं आपको परिभाषा बताता हूँ रूपक अलंकार का। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरियाई ठीक है। ये जो क्वेश्चन उदाहरण है, आप अगर उदाहरण एक बार याद कर लेते हैं तो आपको एक बार में याद हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे 90% लोगों को याद हो चुका होगा क्योंकि एकदम सरल तरीका है, यहाँ पे उदाहरण लाया हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त किया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरोप किया जा रहा है, यहाँ पे समानता व्यक्त किया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं उपमा अलंकार किया जाए। जहाँ पर समानता व्यक्त किया जाए वो समझ लीजिए कि उपमा अलंकार है। उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ये उदाहरण है उपमा अलंकार। अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोहन ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतपि परियो प्रभात। आप ये देख सकते हैं, ये तीनों का उदाहरण मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि एकदम सरल तरीके है भाई। आपको ये सीरीज में नहीं मिलेगा इस तरीके से जो मैं आपको बताया हूँ, इस तरीके से आपको पूरा सीरीज में नहीं मिलेगा, ना तो आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा इस तरीके से उदाहरण। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करके और जो मेरा चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पे इस तरीके से उदाहरण लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, तब जाके ये क्वेश्चन एक वीडियो तैयार करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारा जो लाल कलर का यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूँ। तो आपका अगर ये PDF चाहिए ठीक है, जितना मैं वीडियो बनाता हूँ अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर मोबाइल पर स्कूल आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। मोबाइल पर स्कूल जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा PDF ठीक है, पूरा PDF वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।